अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको मिल सकें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट ऑफ कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भरे मिर्चों के पकौड़े, जिनके लिए हमें चीज़ें चाहिए। बेसन हमने लिया है यहाँ पर 1.5 प्याली, ये हमने भुनावा जीरा, कुटा हुआ जीरा लिया है 2 बड़े खाने के चमचे, यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 खाने के बड़े चमचे चिली फ्लेक्स, यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन 2 बड़े खाने के चमचे, यहाँ पे मैंने लिया है सूखा धनिया, ये कुटा हुआ है और भुना हुआ है 2 बड़े चमचे, नमक मैंने लिया है हसबे जायका, आमचूर पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर 2 बड़े खाने के चमचे, यहाँ पर मैंने 2 चमचे लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, आधी चमची जो है मैंने हल्दी ली है, 2 बड़े चमचे जो है वो मैंने इमली का पल्प लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है आधी चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा लिया है। स्टफिंग के लिए मैंने आलू लिए हैं 3 बड़े आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको जो है वो ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैंने मिर्चे लिए हैं, बड़ी मिर्चे लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मिर्चे आप ले लें 8 से 10 या आप जितना चाहें ले सकते हैं, और जो है वो इनको जो है बीच में से कट करके मैंने इस तरह से रखा हुआ है खाली करके अंदर का, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने किस तरह से किया। तो आए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए व्यूअर्स, आप छुरी ले लें और बीच में से ये कट लगाएं, बड़ा सा एक कट लगा लें और इसके अंदर से जो है सारे बीज इसके निकाल लें। आप चमचे की मदद से भी निकाल सकते हैं, छुरी की मदद से भी निकाल सकते हैं, अपने हाथों की मदद से भी निकाल सकते हैं। आसानी से आप इसको रिमूव कर दें, इसके सारे जो सीड्स हैं अंदर इन सबको आप रिमूव करके रखें। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने खाली कर दिया। इस तरह से आप तमाम अपने मिर्चों को कट लगाकर अंदर से इनके बीज निकाल लीजिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बेसन का जो है वो घोल बनाएंगे मिर्चों को डिप करने के लिए। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चमचा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 चमचा भर के रेड चिली पाउडर, यहाँ पर 1 बड़ा चमचा भर के मैंने लिया है धनिया कुटा हुआ भुना हुआ। इन सारे मसालों का मैंने जिक्र आप लोगों से पहले कर चुकी हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ कि यह मैंने कितना कितना लेना है। 1-1 चम्मच लेना है मैंने यहाँ पर। हल्दी जाएगी यहाँ पर, इसमें थोड़ी सी इसमें जाएगी। इसमें जो है हम सोडा डालेंगे, इमली का पल्प जो है नाजरीन हम उसमें आलू में डालेंगे, नमक एज पर योर टेस्ट। अब हम इसको भून लेंगे, इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। इस रिक्वायर्ड लेंगे व्यूअर्स कि इसका अच्छा सा एक घोल बन जाए। व्यूअर्स इसका देखें, अच्छा सा हमने घोल बना लिया बेसन का। अब हम आते हैं अपने इसको हम एक तरफ रख देंगे व्यूअर्स। अब हम आते हैं अपने ग्रेट किए हुए आलूओं की तरह, इसकी हमने अब स्टफिंग बनानी है। अब हम जो है वो बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हो गई हमारी मिर्चें, ये हो गई हमारी अजवाइन व्यूअर्स। जो हमारे बाकी मसाले थे वो अब हम इनमें शामिल करते जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने इमली का गूदा जो था पल्प था वो भी डाल दिया, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट है आखिरी, अब हम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे व्यूअर्स। अब हमने सारे तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर लिए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपना जो है वो मज़ेदार सा स्टफ जो है वो बना तैयार कर लेंगे व्यूअर्स। देखें हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, अब हम इसको अच्छे से हमने मिला लिया, अब हम इसको फिल करते जाएंगे अपनी मिर्चों में जो हमने साफ करके रखी थी मिर्चें। हमने अपनी तमाम मिर्चों को भर लिया है, अब हम इसको डिप करते जाएंगे बेसन में और जो है वो फ्राई करते जाएंगे व्यूअर्स। देखें हम इसको अब डिप कर रहे हैं इस तरह से, अच्छे से कोट कर लें और फिर इसको अपने पैन में डाल दें।
करा है। व्यूअर्स देखिए एक तरह से फॉर्म हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इसको देखिए व्यूअर्स, हमारे जो है वो आलू भरे मिर्चों के पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तैयार हैं मेरे आलू भरे मिर्चों के पकौड़े, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।